नमस्कार दोस्तों, मिट्टी को कई रोगों के लिए रामबाण औषधि माना गया है। इसीलिए कई रोगों, खासकर चर्म रोग या त्वचा रोग के लिए मिट्टी से स्नान करना बेहद लाभदायक होता है। मिट्टी से नहाने की थेरेपी को अंग्रेजी में मड बाथ कहते हैं। इसे मड थेरेपी भी कहा जाता है। त्वचा संबंधित रोगों के लिए यह थेरेपी कारगर साबित होती है। मुलायम, चमकदार और निरोगी त्वचा के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी मड थेरेपी करते हैं। हाल ही में उर्वशी रौतेला ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस फोटो में उर्वशी मड बात करते हुए नजर आ रही है। मड थेरेपी न ही सिर्फ त्वचा के लिए बल्कि शरीर के अन्य अंगों के लिए भी लाभदायक होती है। तो आइए मड बात के फायदे के बारे में जानते हैं। कई शोध में यह पता चला है कि मिट्टी के अंदर एक्टिनोमाइसीटेस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो मौसम के अनुसार अपना रूप बदलने में सक्षम है। जब यह पानी के साथ मिलता है तो इसके अंदर कई बदलाव आते हैं। यही कारण है कि जब भी मिट्टी गीली होती है तब मिट्टी की मनमोहक खुशबू आती है। मड बाथ से एक्जिमा जैसी समस्या से राहत मिलती है। इसके साथ ही यह हमारी त्वचा और आंखों के लिए भी फायदेमंद है। कहा जाता है कि मड बाथ या पैक से त्वचा ठंडी रहती है। गर्मियों के लिए यह उपाय बेहतरीन है। त्वचा के रोगों के लिए और घावों के लिए मड बाथ काफ़ी फायदेमंद होता है। मड थेरेपी का इस्तेमाल शरीर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। शरीर से विषैले पदार्थों को निकालकर शरीर को साफ करने में मदद करता है। पेट पर मड पैक लगाकर आप पाचन और कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आंखों के ऊपर मड पैक लगाकर आई इरिटेशन और आंखों के दर्द से निजात मिलती है। ड्राई स्किन और मांसपेशियों के दर्द से परेशान लोग मड बाथ लें, इससे सौंदर्य में निखार आता है। साथ ही यह एंटी एजिंग का काम करता है। बुखार से राहत पाने के लिए मड पैक को पेट के साथ माथे पर लगाया जा सकता है। मड में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। मड बाथ कैसे ले? एक बड़े बर्तन में साफ मिट्टी में पानी मिला ले और इसे भीगने दे, फिर इसे शरीर पर अप्लाई करें। 40 से 60 मिनट के बाद नहा ले। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।